लास्ट टाइम हमने शुरू किया था फोर्थ इंडस्ट्री को, दैट वाज ग्लास। फिजिकली ग्लास क्या होता है हमने डिफाइन कर दिया कि सुपर कूल्ड लिक्विड, इसका मतलब है एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसे हम प्रॉपर तरीके से क्रिस्टलाइज ना कर सकें, और वो हो तो सॉलिड मगर उसमें पार्टिकल्स उसी रैंडम तरीके से मौजूद हों जैसे वो नॉर्मली लिक्विड्स में होते हैं। तो ऐसा बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड जिसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, दे ऑलवेज मेल्ट ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये केमिकली क्या चीज है, यहां से अब कंटिन्यू करते हैं। तो यार केमिकल कंपोजिशन, वेल ग्लास में है वे डिफरेंट केमिकल्स इनसाइड इट, इसमें वेरिएशन मुमकिन है, एक से ज्यादा तरह की चीजें मौजूद हो सकती हैं, मगर एक जैसे पैटर्न में है, तो इसलिए एक जनरल कंपोजिशन ग्लास की ऐसे शो की जाती है A2O BO6 SiO2। जो चीज इसमें फिक्स नजर आ रही है वो है सिलिका SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसके 6 यूनिट या 6 मोल्स हैं। और जो चीज हमने डमी लिखी है वो है ए और बी। तो अगर आप फॉर्मूले की कंपोजिशन से देखें, A2O अगर लिखा है तो इसका मतलब ये जो A है ये कोई ऐसा कैटाइन है जिसका चार्ज +1 है, तो इसका मोनोवेलेंट कैटाइन, और BO में B शुड बी दी डाइवेलेंट कैटाइन, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो जो भी ऑक्सीजन के साथ 1 to 1 मिलेगा इसका मतलब उसका चार्ज +2 है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो मोनोवेलेंट कैटाइन और इट कुड बी सोडियम और पोटेशियम, मोस्टली इट इज सोडियम बट पोटेशियम में ऑल्सो बी यूज। इसी तरह बी इज डाइवेलेंट कैटाइन, मोस्टली इट इज कैल्शियम एंड समटाइम बेरियम इज ऑल्सो देयर। So, इस लिहाज से अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल्स लू, ए की जगह सोडियम और बी की जगह कैल्शियम, तो जो सबसे कॉमन फॉर्मूला बनेगा ग्लास का वो बनेगा Na2O CaO और 6 SiO2। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये अंदाज ग्लास के फॉर्मूले को लिखने का पुराना अंदाज कहलाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री में हमने इस अंदाज को थोड़ा सा चेंज किया है, ये कहकर कि द सोडियम ऑक्साइड डेफिनेटली रिएक्ट विद SiO2। तो ये दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय अगर मैं मिला दूं तो ये बन जाएगा Na2SiO3, विच इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड को भी अगर SiO2 से मिलाकर लिख दिया जाए तो बनेगा कैल्शियम सिलिकेट। अब मेरे पास 6 सिलिका थे, एक सोडियम से मिल गया, एक कैल्शियम से मिल गया, तो यही फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है। इट इज सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट विद 4 मोल्स ऑफ सिलिका। और इसी की बेस पर हम केमिकली ग्लास को मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल सिलिकेट्स कहते हैं, यानी ऐसे सिलिकेट्स जो हमने खुद बनाए हैं। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि अब फॉर्मूला चाहे ऊपर वाले अंदाज से लिखे या नीचे वाले, बनता कैसे है ये, इसकी प्रिपरेशन।
तो जो कुछ हमें फॉर्मूले में नजर आ रहा है उसमें सिलिका वाहिद चीज है जो नेचुरली अवेलेबल है, मट्टी वो तो आ गई, लेकिन उसके साथ अब जो आपने सोडियम या कैल्शियम का ऑक्साइड लिखा हुआ है या उसे सिलिकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नेचुरली नहीं मिलते, ये बनाने पड़ेंगे। तो हाउ कैन यू फॉर्म सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट? तो कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट बनाने के लिए हम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो हैं, कैल्शियम सिलिकेट के लिए लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट नेचुरली अवेलेबल है, ये भी मिल गया। और सोडियम सिलिकेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट नेचुरली नहीं मिलता, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। चैप्टर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारा टॉपिक भी है, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कैसे बनता है, लेकिन फिलहाल इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट हमें बनाना पड़ता है, बाकी दोनों चीज़ें नेचुरली मिल जाती हैं। तो जहाँ जहाँ गिलास इंडस्ट्री है वो लोग इस बात का खुद एहतमाम करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद बनाए। तो अब अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और मट्टी है, तो ये तीनों चीज़ें एक फर्नेस में डाली जाती है जहाँ टेम्परेचर तकरीबन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है, 1400। तो वहाँ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट बनता है और सिलिका तो जैसे है वैसे ही रहता है। फिर सिलिका का क्या काम है? टेक्निकली 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलिका मेल्ट होकर लिक्विड बनता है। जो सिलिकेट्स बनते हैं सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट, वो भी मेल्ट हो जाते हैं तो वो भी लिक्विड बन जाते हैं। सिलिका को डेलिब्रेटली ज्यादा इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि वो उस लिक्विड मिक्सचर में बनेगा सॉल्वेंट और उसमें सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट डिसॉल्व हो जाएंगे। सो वी गोना हैव अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट इन सिलिका। इसीलिए शुरू की डेफिनेशन में लिखा था कि इट्स अ सॉलिड सॉल्यूशन व्हिच इज नॉट बीइंग गिवन प्रॉपर टाइम टू क्रिस्टलाइज। तो ये सॉल्यूशन है सिलिका का, वो सॉल्वेंट है और उसमें सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट डिसॉल्व हो गए। अब ये लिक्विड पिघला हुआ मिक्सचर आ गया हमारे पास 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आगे की कहानी सुना चुके। अब आप इसे सुपर कूल करें, एकदम से ठंडा करें तो भी रिजल्ट वही है। और चूंकि ये इंतहाई विस्कस लिक्विड है, अगर आपका दिल चाहे और आप इसे आराम आराम से भी ठंडा करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाई विस्कोसिटी की वजह से इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पार्टिकल जिस हालत में सॉल्यूशन में है उसी हालत में सॉलिड में भी आ जाएंगे। ये अपनी जगह से मूव करके खुद को किसी किस्म की अरेंजमेंट में लाने के काबिल नहीं है। तो खामखाई में क्यों टाइम जाया करें? तो हम रैपिड कूलिंग करते हैं इस पिघले हुए मिक्सचर को और इसे ठंडा करके सुपर कूल्ड सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड की शक्ल दे देते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इट इज प्रिपेयर्ड by heating limestone CaCO3 soda ash Na2CO3 and silica SiO2 together at 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम कार्बोनेट को सोडा एश कहते हैं, इसे जब हम हीट करते हैं सिलिका के साथ तो ये बनाता है सोडियम सिलिकेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हवा में उड़ जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट सेम सिलिका से रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड हवा। इसका मतलब है इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन के नतीजे में आपको कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट मिला। जो साथ में चीज बनी है वो गैस थी, वो हो गई और आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड खासतौर पर एक्सेस में लिया था, इनके हिसाब से 6 मोल लिया था, उसमें सिर्फ 2 मोल इस्तेमाल हुआ है, बाकी का 4 मोल वहाँ एज इट इज बचा है। उसका काम है कि वो पिघला लिक्विड बना और इसने इन दोनों चीजों को डिसॉल्व कर लिया। सो
ordinary mixture or ordinary glass is mixture of sodium and calcium silicate. In simple words, आप कह सकते हैं कि आम शीशा सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर है. ये तो हो गई बात आम. अब गिलास की भी वैरायटी है काफी, इसमें भी हम बहुत सी और मजीद खूबियां ऐड करते हैं. तो अब हम उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल्स की. एक शीशा बनाने के लिए आम तौर पर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं, व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल. उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर हाल में यूज होंगी और कुछ चीजें ऑप्शनल होंगी. कि अगर आप अपने गिलास में फला खूबी चाहते हैं तो ये चीज डाल दीजिए, वरना डालिए. अब जैसे मिसाल के तौर पर कम अज कम ये तीन चीजें जो हमने मेंशन की है, ये तो हर हाल में इस्तेमाल होगी. सिलिका हर हाल में यूज होगा, सोडियम कार्बोनेट हर हाल में यूज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हर हाल, तभी तो शीशे की आम शक्ल बनेगी. अब अगर आप उस आम को खास बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से चीजें ऐड करेंगे. वो चीजें क्या हो सकती हैं और शीशे में किस किस्म की नई खूबियां ला सकती हैं, ये अब हम देखेंगे. तो अब है हमारी तफसील रॉ मटेरियल्स. हर एक रॉ मटेरियल का नाम, फॉर्मूला और उसका इस्तेमाल, उससे क्या चीज हमें हासिल हो रही है, ये एक एक लाइन में बतानी है. तो पहले तो जो नोन है वही लिखते हैं. सबसे पहली चीज सिलिका और सैंड, SiO2. जो ग्लास की अपीयरेंस है, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस ऑफ ग्लास, ये दरअसल सिलिका है. जो हमारे दरवाजे पे लगा हुआ है शीशा, तो इसकी जो इस वक्त शक्ल ट्रांसपेरेंट आपको दिख रही है, ये पिघली हुई रेत है. अगर हम मिट्टी पिघला दें, सैंड को पिघला दें, तो वो ये शक्ल बनाता है. तो जो ग्लासी अपीयरेंस है ये सिलिका की वजह से है, क्योंकि वो सॉल्वेंट है. भाई नमक सफेद रंग का होता है, पानी में डिजोल्व कर देते हैं, पता चलता है कहाँ गया? नहीं, हमें शक्ल किसकी नजर आती है, पानी की. तो अब सिलिका मेल्ट होगा और उसमें कोई चीज डिजोल्व हो जाएगी तो उसकी नहीं शक्ल नजर आएगी, पिघले हुए सिलिका की नजर आएगी. पता नहीं बेटा, मैंने देखा नहीं, आपने देखा है तो क्या कर सकता हूँ. मैंने इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया, पिघला हुआ. ठीक है, एक दफा उसे मेल्ट करके देखें कि वो गंदा गंदा है या साफ साफ है. ठीक है, एक दफा कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला लिख के जरा गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा सिलिका कितनी टाइप के होते हैं. ठीक है, इट गिव्स नॉन क्रिस्टलाइन ग्लासी अपीयरेंस. दूसरे नंबर पर है लाइमस्टोन. इट इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम, सोडा एश, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. इट इज द सोर्स ऑफ सोडियम. ये तीन तो कंपलसरी थे. अब असल नई चीजें शुरू होंगी. हम इसमें एक चीज डालते हैं जिसका नाम है बोरेक्स. फॉर्मूला है Na2D4O7. हम कहते हैं बोरेक्स है फ्लक्स. अब ये लफ्ज जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है.
फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में, और बहुत ही डिफरेंट मीनिंग्स है। तो फिजिक्स वाले फ्लक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ये इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेज हैं, ना ये परपेंडिकुलर हैं, कुछ भी नहीं। तो फ्लक्स क्या है? ऐसे केमिकल को फ्लक्स कहते हैं जो किसी चीज में एड अप होकर उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। फर्स्ट ईयर में मेल्टिंग पॉइंट के टॉपिक में ये बात थी कि प्योर सब्सटेंस अपने फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होता है। अगर किसी सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटी हो जाए, डाल दी जाए, तो इस इम्प्योरिटी की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो वो सब्सटेंस जो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, वो इम्प्योरिटी, वो कहलाती है फ्लक्स। हम इसे, इस प्रॉपर्टी को फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई आम हालात में रेत को पिघलाना मुश्किल भी काम है, एंड इट रिक्वायर्स टेम्परेचर मोर देन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या चालाकी करते हैं, कोई ऐसी चीज इसमें डाल दी जाए जो रेत के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दे, ताकि जरा कम टेम्परेचर पर हमारा काम हो जाए। तो जब हम गिलास बनाने के लिए तीनों चीजें मिलाकर भट्टी में डालते हैं, तो साथ में बोरेक्स डाल देते हैं, जिससे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेंट डिक्रीज होता है और वो निस्बतन कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं बोरेक्स, इट इज यूज्ड एज फ्लक्स एंड इट helps in melting silica। तो इस लिहाज से ये तो फिर हर दफा डाला जाएगा, फायदा हो रहा है, तो ये तो कॉमन सा है। नंबर पांच, ये कौन? ये भी अजीब सा फॉर्मूला है। ये तीन ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन है, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अगेन सिलिका। खास तौर पर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज को लेकर आए हैं। हमें जो चीज गिलास के लिए चाहिए वो है बीच वाली चीज, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो कहते हैं एल्यूमिना। जब ये चाहिए तो सिर्फ ये लेना चाहिए था ना, आसपास चीज है क्यों? इसलिए कि एल्यूमिना जमीन से नेचुरल हालत में इस शक्ल में मिलता है, मुफ्त में हुआ ना। हाँ, खास तौर पर सिर्फ एल्यूमिना लेंगे तो खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, नुकसान हमें इसलिए नहीं है कि अगर आप गौर से देखें तो इसके आसपास जो चीजें लगी हुई हैं वो ग्लास के लिए जरूरी है। भाई सिलिका तो आप वैसे ही इतना डाल लें, थोड़ा और हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी चीज आप जिस काम के लिए भी डाल रहे हैं थोड़ी सी डालेंगे, तो इसमें जो भी सिलिका होगा हमारे पहले मौजूद सिलिका में इजाफा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और K2O अगर आप नोट करें तो ये Na2O का भाई है। K भी मोनोवेलेंट कैटायन है, और मैंने शुरू में कहा कि इसे भी हम ग्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप सोडियम की जगह पोटेशियम यूज करते हैं तो जरा सख्त वाला गिलास बनता है, तो अगर थोड़ा बहुत पोटेशियम भी चला जाएगा तो भी हमें कोई हर्ज नहीं। तो ये एक सूटेबल एडिटिव हो गया। आखिर Al2O3 क्यों चाहिए असल बात, बाकी तो साइड की चीजें थी। जो आम शीशा है जैसे दरवाजे पे जो लगा हुआ है, इसकी एक बुराई ये है कि गर्म ठंडा कर दें, यानी टेम्परेचर सडन राइज और फॉल कर दें, तो ये चटक जाता है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। शीशे के अंदर ये बुराई है कि अगर उसे एकदम ठंडा गर्म करें तो वो क्रैक पड़ जाते हैं। ये हैरानगी ये बता रही है कि माशाल्लाह से इस साल तो मौका मिला नहीं, पिछले साल भी कभी प्रैक्टिकल नहीं किए थे। तो अगर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में ऐसा मौका आ गया तो ये काम रोज देखेंगे जब भी लैब में जाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को जो टेस्ट ट्यूब देते हैं सेकेंड ईयर में, प्रैक्टिकल में बहुत यूज होती है, और हर दूसरे टेस्ट के बाद उसे गर्म या ठंडा करना पड़ता है। और हम जो टेस्ट ट्यूब देते हैं वो आम शीशे वाली देते हैं,
तो वो लाजमी तौर पर टूट जाती है। तो जो असल में एक टेस्ट ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के लिए, वो कहलाता है पायरेक्स ग्लास। उसमें एल्यूमिना डला हुआ होता है और उसकी खूबी ये होती है कि वो गर्म ठंडा करने पर क्रैक नहीं होगा। तो हमें क्यों नहीं देते? कौन कौन है पीसीए थे इसमें सामने? हाँ, वो कहते हैं अपने घर से लेके आओ। हाँ, तो पैसे जब लेते हैं तो पता चलता है कि क्या वजह है। पायरेक्स की टेस्ट ट्यूब 60 रुपए की है और आम शीशे वाली 3 रुपए की है। 60 रुपए में तो दर्जन आया है, तो 12 दफा तोड़ सकते हैं। तो कहते हैं अगर पायरेक्स की टेस्ट ट्यूब टूटती है तो दिल भी टूट जाता है, और दूसरी टूटती है तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब टूटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महंगी बात होती है, बहरा ये और वैसे सही पड़ते भी। तो एल्यूमिना डलता है खास तौर पर उन ग्लासवेयर्स को बनाने में जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, बीकर, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, जिनके लिए ये जरूरी है कि वो टेम्परेचर की सडन चेंजेस को बर्दाश्त कर सकें और क्रैक ना हो। तो अगर हम आम दरवाजे शीशे बना रहे हैं, इनको कौन गर्म कर रहा है? हमें कोई जरूरत नहीं है एल्यूमिना डालने की। तो फेल्डस्पार शुड बी ए ऑप्शनल थिंग जो आप इस सेंस में यूज करेंगे कि आपको कहाँ ग्लास इस्तेमाल करना है। केमिकल ग्लासवेयर में यूज करना है केमिस्ट्री के लैब के लिए, तो डेफिनेटली यू नॉट यूज दिस। तो अब इसमें कहा गया इट इज द सोर्स ऑफ एलुमिना व्हिच इज Al2O3 एंड यूज्ड टू प्रिवेंट cracking of glass with sudden changes of temperature. फिर है arsenous oxide. जी हम अगर ग्लास में कैल्शियम ऑक्साइड ना डालें तो ग्लास नहीं बनेगा। कौन सा वाला? बेटा मैंने फेल्स पर जो लिखा हुआ है उसमें मैंने कहाँ कहा है कि ग्लास में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड नहीं डाला? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी चीज उसमें ऐड की जाएगी, सब वो चीजें डालकर दिस इज एडिशनल थिंग। ये सब लिस्ट बनाई हुई है और उसमें मैंने कहा कि आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं आपके गिलास में एक खूबी और ऐड हो जाए कि वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके तो ये भी ऐड कर दें। भी का भी, ही नहीं का, कि ये ही ऐड कर दें, ये भी ऐड कर दें। सारे गिलास यही बना के जाएंगे लग रहा है। आर्सेनस ऑक्साइड किस काम का? जैसे ये सामने प्रिपरेशन लिख के दिखा गई है, गैस निकलती है जब ये पिघला हुआ गिलास बनता है, क्योंकि हम सुपर कूलिंग करते हैं, एकदम से ठंडा कर देते हैं, तो कई दफा ऐसा होने की पूरी पूरी उम्मीद है कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड उस पिघले हुए मटेरियल में से नहीं निकली। लिक्विड में से गैस निकलती है, बबल्स बनाती हुई निकलती है, तो वो सारे बबल्स नहीं निकले और आपने एकदम से उसे ठंडा कर दिया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ग्लास के अंदर बबल्स नजर आएंगे। तो अगर आपने कभी नोट किया हो तो ऐसे शीशे भी देखे होंगे, छोटे छोटे बबल्स बने होते हैं, ये ग्लास का डिफेक्ट है, खामी होगी। आपकी आंखों पे जो लगे हुए गिलास उसमें ऐसे बबल्स आ जाए फिर क्या नजर आएगा आपको? तो विजन में बहुत प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होने चाहिए। तो हम इसे मेक श्योर करने के लिए आर्सेनस ऑक्साइड डालते हैं, तो जहां जहां CO2 के बबल्स अगर रहते होंगे आर्सेनस ऑक्साइड उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। हाँ, एक और बात अब इसमें है, अगर हमने नोटिस किया हो, अमूमन ऑफिस में भी है और घरों में भी, जो शो पीस होते हैं और ऑफिस में पेपर वेट होते हैं, उनमें हम डेलिबरेटली बबल्स बनाते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। वो तो शो पीस होते हैं, उसमें से किसी ने देखना थोड़ी है, तो वो उसके लिए फिर हम डेलिबरेटली ये कोशिश करते हैं कि ये बबल्स रिमूव ना हो, तो वो एक अलग है। वो तो शो वाले ग्लासेस हैं,
लेकिन नॉर्मल ग्लासेस जहां भी यूज होंगे हम आर्सेनियस ऑक्साइड डालेंगे ताकि वो बबल्स ऑफ गैसेस अंदर ना बन पाए और हमें ऐसा यूनिफॉर्म क्लियर शीशा मिले जिसमें कहीं बबलिंग ना आए. सो इट इज यूज्ड टू रिमूव बबल्स ऑफ गैसेस. सेवन, रद्दी पेपर वाला आता है हमारे यहाँ, एक तो आपसे रद्दी ले जाता है तो वो जाहिर सी बात है पेपर फैक्ट्री में जाती है और वो रिसाइकल हमारे कोरंगी में ही है तो जाके देखें तो बड़े मजे का सीन होता है. तेजाब में डालते हैं, कागज गत्ता जो भी है उसे गलाते हैं, फिर वो उसके बाद रिसाइकल होकर दोबारा गत्ता बनता है. लेकिन वो एक और चीज हमसे जरूर मांगते हैं रद्दी पेपर वाले, खासतौर पर कहेंगे घर में अगर शीशे की टूटी हुई बोतलें डिमांड होती है, खासतौर टूटी हुई नहीं होगी तो आपके सामने तोड़ देंगे, उनको चाहिए शीशे के टुकड़े. आपके घर में जाहिर सी बात है अगर कोई पुरानी बोतल टूट गई या कहीं शीशा टूटा हुआ है दे दीजिए, वो शीशे के टुकड़े ग्लास फैक्ट्री में जाएंगे, उनको कहते हैं पुलेट्स. पुराने शीशे के टुकड़े वो कहलाएंगे पुलेट्स और उनका काम ये है कि वो वही फ्लक्स वाला काम करते हैं कि उन शीशे के टुकड़ों को भी उसी भट्टी में डाल दिया जाता है जहां नया शीशा बनने जा रहा है. तो ये पुराने शीशे के जाने की वजह से भी थोड़ा बहुत मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जरा हीटिंग में मदद मिलेगी और ये भी रिसाइकल हो जाएंगे, डबल फायदा. तो ये कहलाते हैं पुलेट्स. ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास विच हेल्प इन मेल्टिंग ग्लास. अब आखिरी चीज है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ये ग्लास जो सामने दरवाजे पे ट्रांसपेरेंट है और कलरलेस है, ये दो अलग अलग खूबियां होती हैं, कलरलेस होना और ट्रांसपेरेंट होना. ट्रांसपेरेंट का मतलब इसे आर पार देख सके, कलरलेस का मतलब कोई कलर नहीं. तो हमारे कलर्ड ग्लासेस भी होते हैं, इनको आप सन ग्लासेस कहते हैं, आंखों पे पहनते हैं तो वो कलर्ड होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं. ग्रीन ग्लास पहना है उसके आर पार भी देख सकते हैं और वो रंगदार है. खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए जब धूप में या फ्लड लाइट में फील्डिंग करते हैं तो वो पोलराइज सन ग्लासेस पहनते हैं. रंग बिरंगे ग्लासेस, दुनिया के महंगे तरीन ग्लासेस होते हैं, लगता है शो के ईद पे जो मिलते हैं 15-15 रुपए वाले वो लग रहे होते हैं. सन पोलराइज सन ग्लासेस दुनिया के महंगे तरीन ग्लासेस हैं. उनका काम ये है कि अगर वो आंखों पे पहने हुए हैं और अगर आप दिन में मैच हो रहा है तो अमूमन जो शॉट ऊपर से आता है तो सूरज अगर सामने पड़ा तो विजय नजर ही नहीं आता, आपका कैच छूट जाएगा. तो पोलराइज सन ग्लासेस की वजह से वो सूरज की हिद्दत में कमी आती है तो आप देख सकते हैं बॉल, इतना खर्चा करते हैं उससे तो फिर भी क्या छोड़ देते हैं तो उसका क्या है? तो अब वो जो सन ग्लासेस या इसी तरह और जगहों पे कलर्ड ग्लासेस यूज करने हैं तो उसके लिए आपको ग्लास कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो कलर का सोर्स हो. तो हमने शुरू से कहा है ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड अमूमन कलर्ड होते हैं, इसलिए हर जगह कलर के सोर्स के तौर पर उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है. तो वो कौन कौन हो सकता है? दैट इज द नंबर 8, कलर्ड मटेरियल्स, डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट colors. For example, copper oxide इस्तेमाल होता है for light blue color, cobalt oxide इस्तेमाल होता है for dark blue, chromium oxide यूज होता है for green, manganese oxide यूज होता है for violet. एंड सिलीनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिक्सर यूज होता है फॉर रेड.
आपने ग्लास कलर नहीं बनाना तो ऑब्वियसली फिर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सारे रॉ मटेरियल और इनका इस्तेमाल बताया गया कि दीज आर दी पॉसिबल थिंग्स विच कैन बी यूज इन ग्लास मेकिंग अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। अब इन चीजों को इस्तेमाल करके जो मुख्तलिफ टाइप्स के ग्लास नॉर्मली या कमर्शली अवेलेबल हैं, अब उनकी एक लिस्ट देख लें। तो टाइप्स ऑफ ग्लासेस, तो पहली टाइप है ऑर्डिनरी विंडो ग्लास और सॉफ्ट ग्लास कहते हैं इसे। इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। तो अगर हम जैसे शुरू में ही लिखा है सोडियम और सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर होगा, तो ये आम शीशा है। इस आम में पहली खास बात हार्ड ग्लास, तो हार्ड ग्लास में सोडियम की जगह पोटेशियम यूज हो जाएगा। इट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। अब आप नोट करेंगे कि जो चीजें वहां इस्तेमाल हुई उसी से मिलती जुलती कुछ बातें हैं। हमने एल्यूमिना इस्तेमाल करवाया था और प्रिवेंटिंग ग्लास फ्रॉम क्रैकिंग। पीरियोडिक टेबल देखें तो ग्रुप थ्री में है एल्यूमिनियम और उसी ग्रुप का पहला एलिमेंट है बोरॉन। जिसका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 है, ऐसे ही बोरॉन का ऑक्साइड B2O3 है। तो जिस काम के लिए हमने यहाँ एल्यूमिना का तस्करा किया था कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी काम में हम बोरॉन या B2O3 को भी यूज करते हैं। और अगर B2O3 यूज हो रहा होता है तो गिलास के लिए टर्म इस्तेमाल होती है बोरोसिलिकेट, कि ऐसे सिलिकेट जिसमें बोरॉन यूज किया। एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो रहा हो तो एल्यूमिनो सिलिकेट। तो हमने एल्यूमिनियम का तस्करा यहाँ कर दिया। टाइप्स में जो मशहूर टाइप्स हैं जो ग्लासवेयर के लिए यूज होते हैं केमिस्ट्री के लिए, उनके नाम है पायरेक्स एंड जीना। दो अलग अलग नाम है, पायरेक्स अलग है जीना अलग। इन दोनों में हम इत्तेफाक से बोरो सिलिकेट यूज करते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट की जगह। तो आप इसका तस्करा करेंगे जीना ग्लास। तो अब ये देखिएगा, जैसे हमने सोडियम को रिप्लेस किया तो उसकी जगह पोटेशियम यूज किया, उसी तरह की एक और चीज। इसी तरह शुरू में मैंने कहा था कि यस, अगर हम कैल्शियम को भी रिप्लेस करेंगे तो उसी की तरह की दूसरी चीज यूज करेंगे, जो है बेरियम एंड इन सम केसेस जिंक, लेकिन ज्यादातर बेरियम। तो ये जीना में वही हो रहा है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोरोसिलिकेट्स इन विच वी यूज बेरियम एंड जिंक। तो ये बेरियम बेसिकली यूज हो रहा है कैल्शियम की रिप्लेसमेंट। और इसका काम क्या है? इट इज रेजिस्टेंट टू हीट, केमिकल्स एंड शॉक। तो ये जो जीना ग्लास है, इट्स अ परफेक्ट चॉइस फॉर केमिस्ट्री ग्लासवेयर।
केमिस्ट्री के जितने भी लैब्स में हम बीकर्स फ्लास्क टेस्ट ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, क्योंकि आप देखेंगे ये हीट बर्दाश्त कर सकता है, केमिकल्स इसमें डाले जाए तो ये खराब नहीं होता, और शॉक प्रूफ का मतलब है इतना मजबूत है कि हल्का फुल्का झटका लगने से ये टूटता नहीं है। आम शीशे को जरा सा हाथ लगा तो टूट सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी हाइट से भी गिर जाए तो मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटता। हाँ, अगर आप ट्रक गुजार दें तो वेदरी उसमें बताया, तो ये जीना कहलाता है। तो तीन टाइप्स ऑफ और है, इसी तरह छोटी सी जो गिलास का एंड हो जाएगा, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम।